बैतूल के शाहपुर में दोपहर को स्कूली बच्चों से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 18 विद्यार्थी घायल हो गए। दो बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलते ही शाहपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्राप्त जानकारी के मुताबिक शाहपुर के गुड शेफर्ड स्कूल के विद्यार्थियों को छुट्टी होने पर तूफान वाहन से उनके गांव छोड़ने जा रही थी। वहीं दोपहर में निशाना डैम के पास नेशनल हाईवे 69 पर स्कूली बच्चों से भरा तूफान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन का चालक दीनदयाल खेड़ले सहित 18 बच्चे घायल हो गए। बच्चों को उपचार के लिए तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिनमें दो बच्चों को गंभीर चोट आने पर उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। वाहन में कुल 22 से 23 बच्चे सवार होने की जानकारी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक चालक ने तेज और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाया, जिसके कारण हादसा होने की जानकारी सामने आई है। हादसे की जानकारी लगते ही शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष रोहित नायक ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर बच्चों की सेहत की जानकारी ली। हादसे को लेकर स्कूल प्रबंधन ने अपनी जवाबदारी से पल्ला झाड़ लिया। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वाहन स्कूल का नहीं है, परिजनों ने बच्चों को स्कूल लाने ले जाने के लिए एक निजी वाहन किया था, इसलिए जवाबदारी केवल वाहन चालक की ही है। हादसे की जानकारी मिलने पर शाहपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि हादसे के संबंध में विद्यार्थी और चालक से पूछताछ की जाएगी। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहन के चारों पहिए ऊपर हो गए और वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। कि निशाना डैम के पास स्कूल की जो वैन होती है उसमें लगभग शायद 20 बच्चे हैं दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, किंतु हमारे पास हॉस्पिटल में 10 बच्चे आए थे और एक ड्राइवर आया। मुझे अचानक फोन आया कि गुड शेफर्ड स्कूल के बच्चों की जीप पलट गई है। जैसे मुझे पता चला, मैं तत्काल अपने साथियों के साथ वहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचा और सारे बच्चों का डॉक्टरों को इलाज करने के लिए निर्देशित करा।